चा भी आ गई है, चा गरम गरम चा। तो यहाँ विजय एंजॉय कर रहा है गर्मा गर्म डोसा। कैसा बना ये तो बता दो। सुपर सुपर। कैसे हैं आप सब? कन छवा भला छवा। मैं आ रखी हूँ वॉक के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग से शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। काफ़ी वॉक कर लिया है तो मैंने कहा अब तो ब्लॉगिंग बनता है। वहाँ से मैं वॉक करके आई हूँ, लग रहा है बहुत दूर है लेकिन दूर नहीं है एक्चुअली में, बस लग रहा है। तो अभी बस वॉक करने के बाद मैं जाऊँगी और ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। तो जब तक मैं घर पहुँचती हूँ तब तक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का सुंदर सा व्यू। तो चलिए। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean? So, तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर पे और अब मैं बनाने जा रही हूँ डोसा और पीनट की चटनी। तो जो मूंगफली की चटनी है बहुत टेस्टी होती है, तो चलो आपको भी बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने थोड़े से पीनट्स ले लिए और उनको मैंने बहुत ही धीमी आंच में रोस्ट कर लिया। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देना है और एक छोटा सा पीस है अदरक का, वो इसके बाद इसमें डाल देना है और तीनों को फिर से धीमी आँच में थोड़ा सा और रोस्ट करना है। अब ये जो इमली है इसको पानी में थोड़ा सा आपको भिगा देना है, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा टेस्ट लेके आती है आपकी पीनट चटनी में। और आप सारे का सारा जो मैंने रोस्ट किया था उसको ग्राइंडर में मैंने डाल दिया है। और अब ये हरी मिर्ची लाल मिर्ची को मैं करने वाली हूँ थोड़े से ऑयल में फ्राई। और जैसे ही ये फ्राई होगा उसके बाद जादू देखिए नमक डालने के बाद ये आपको ग्राइंड कर देना है और आपकी चटनी तैयार। और अब बारी आती है आपके डोसा बनाने की। तो डोसा बनाने के लिए आपको पैन को क्लीन करना है, उसके बाद ऑयलिंग करनी है और उसके बाद टिश्यू पेपर से इसको क्लीन कर देना है। एकदम ज़्यादा ऑयल नहीं रहना चाहिए इसमें। और ये जो बैटर बनाया हुआ है, ये बैटर बना है 1 कप उड़द दाल और 2 कप राइस से। तो इसको आपको क्या करना है, पैन में थोड़ा सा ले लेना है और उसके बाद धीरे धीरे इसको घुमाना है, घुमाते जाना है। तो देखिए दोस्तों जो पहला डोसा होता है ना वो इतना सही नहीं आता है, ये हर कोई कहता है। तो देखते हैं कि ये वाला डोसा कैसे बनता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से भी लगा देना है ताकि ऊपर का जो पोर्शन है वो भी अच्छे से पक जाए। और चलिए देखते हैं कि ये कैसा बनता है। अब थोड़ा सा जब ये डोसा आप लगा देते हैं उसके बाद आपको मीडियम फ्लेम में रखना है, थोड़ा सा मतलब आँच बढ़ा देनी है। और देखिए मेरा डोसा जो पहला है वो चिपकने के लिए तैयार है यानी कि थोड़ा चिपक गया था। तो ये देखिए कलर आप देख सकते हैं, पहला डोसा जल गया मेरा, चलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको पहला डोसा अगर आपका ऐसा जल जाए तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पहला ऐसे ही बनता है। तो ये वाला डोसा मैं विजय को देने वाली हूँ, वही खाएगा इसको नॉट बैड, इतना बुरा भी नहीं बना है। और ये रहा डोसा, प्लेट में गया। और अब देखिए दूसरा जादू, आपको पानी डालना है क्योंकि जो पैन है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसमें इसलिए इसको ठंडा करने के लिए फिर से डालना पड़ता है पानी। फिर ऑयलिंग करनी है और फिर से इसमें डालना है डोसा बैटर और इसको घुमाते जाइए। दोस्तों मैं इसमें वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि उस वक्त एग्जॉस्टर ऑन था तो वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी। तो अभी देखिए ये डोसा दूसरा डोसा है और ये भी इतना खास नहीं बना है, पर चलो काम चलाने लायक है।
तीसरा डोसा ट्राई करती हूँ। हाँ विजय एंजॉय कर रहा है गर्मा गर्म डोसा। कैसा बना ये तो बता दो। सुपर सुपर। मुझे तो होटल स्टाइल जो कलर होता ना पसंद नहीं है, ये स्मूथ है। ज्यादा नहीं बनाऊंगी मैं। पाँच पाँच क्या सोना है क्या, ऑफिस नहीं जाना। और इस डोसा को बनाते बनाते मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो बैटर आप देख रहे हैं जो मैं पैन में डाल रही हूँ, तो इसको एक दिन पहले ही आपको उड़द दाल एक कप और दो कप राइस को अच्छे से पानी में भिगो के रखना है, और उसके बाद उसको रात को 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद उसको आपको ग्राइंड कर देना है और पूरे रात भर इसको फर्मेंटेशन के लिए रखना है, और ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए और नेक्स्ट डे आप इसको अच्छे से डोसा बना सको। तो यही प्रोसीजर है इसका और बहुत सिंपल है, घर में ट्राई कीजिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है डोसा खाने में। तो अभी मैंने विजय को खिलाया डोसा, तो अब विजय की बारी है कि वो मुझे खिलाए, क्योंकि मैं थक गई थी वरना मैं ही बना लेती अपने लिए। तो मेरे दो डोसा बन चुके हैं, मैं फटाफट से खा लेती हूँ और देखते कि चटनी कैसी बनी हुई है। तो मैं इसमें थोड़ा सा चटनी डालूंगी इस डोसा में, और आप भी बताइए कि आपने कभी डोसा घर में ट्राई किया है। ये एकदम रेस्टोरेंट की तरह तो नहीं दिखता है, ब्राउन ब्राउन नहीं होता, वो कुछ मिलाते हैं उसमें शुगर। तो ये होम स्टाइल डोसा है, बड़ा वाला डोसा नहीं है, तो ये थोड़ा सा स्पाइसी हो रहा ज़्यादा। स्पाइसी भी अच्छा ही हो रहा है, मज़ा आ रहा है। इस बार ज़्यादा अच्छा बना है। एक और आ गया। आप भी बनाइए डोसा, अगर आप कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे कई चीज़ मिस हो गई हो तो आप वैसे काफ़ी ट्यूटोरियल से देख सकते हैं, पर मैं हम कैसे बनाते हैं और मैंने कैसे सीखा है विजय से वो मैंने आपसे शेयर किया है। और हाँ, अब मुझे डोसा ना चाय के साथ ही बहुत पसंद है, तो अभी चाय आ रही है तो चाय के साथ खाया जाएगा डोसा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा ये फूड ब्लॉग। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको। वाह, तो चाय भी आ गई है, चाय गरम गरम चाय। मैंने बनाई है चाय। चाय के साथ खा के भी देखते हैं, वैसे तो ना मैं ऐसे भी खा लेती हूँ इसको। आप बोलो कि डोसा ऐसे कौन खाना है। दोस्तों, तो मैं इंजॉय करती हूँ डोसा, और आप भी इंजॉय कीजिए, बनाइए और खाइए फैमिली के साथ। और ताइवान में रह के भी हम साउथ इंडियन डिशेस और गढ़वाली डिशेस बनाते रहते हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई फूड ब्लॉग चाहिए और, तो हम जरूर बनाएंगे, और दूसरी ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगी विजय भी रहे और वो भी मेरे साथ बनाए। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक कर दो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।